रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राज्य के विकास की प्लानिंग शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब कश्मीर में अमन चैन बहाल होगा, कारोबार बढ़ेगा और इससे नौकरियों का सृजन होगा। इसको देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने निवेश की संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक तरक्की और नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए पहल की जानी चाहिए। राज्य में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधनों और प्रतिभाओं की भरमार है। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र के दिग्गज अमूल इंडिया ने कश्मीर में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। वहीं हेलमेट बनाने वाली प्रमुख कंपनी स्टील बर्ड ने भी जम्मू कश्मीर में एक प्लांट लगाने की पेशकश की है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लेमन ट्री ने गुलमर्ग और सोनमर्ग में 35 से 40 बेड का होटल खोलने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि लेमन ट्री के पास पहले से ही इस इलाके में 176 बेड की क्षमता वाले 3 होटल हैं। इधर पाकिस्तान इस फैसले पर इतना बौखला गया है कि उसने भारत के साथ अपने सभी द्विपक्षीय व्यापार को खत्म कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने 3 एयरबेस बंद कर लिए हैं और भारत की सभी फिल्मों को पाकिस्तान में नहीं चलाने का फैसला लिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.